उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में शामिल होकर लौटे राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स को स्वर्ण व रजत पद के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि एनसीसी युवाओं में भाईचारा, अनुशासन, नेतृत्व और देश प्रेम का भाव विकसित करता है। राजभवन में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि एनसीसी प्रशिक्षण के साथ कैडेट्स समाज सेवा और के अभियानों में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कानपुर में चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर से लौटे दो परिवारों को कोरोना वायरस से संक्रमण के मद्देनजर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इन लोगों पर नजर रखी हुई है। जुकाम, बुखार, खांसी, सीने में जकड़न और गले के संक्रमण जैसे लक्षण उभरने पर इनका तुरंत उपचार शुरू कर दिया जाएगा। ये दोनों परिवार वुहान शहर के नजदीक रह रहे थे। इसके साथ ही चेकरी एयरपोर्ट में सोमवार को 300 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर महाराजगंज और गोरखपुर देवरिया फोर लेन की रिवाइज एस्टिमेट पर शासन की मुहर लग गई है। अब निर्माण कार्य तेजी से होने की उम्मीद है। इन सड़कों का निर्माण रिवाइज एस्टिमेट पास न होने की वजह से फंसा था। रिवाइज एस्टिमेट स्वीकृत किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल ने मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल पर शेयर की। गोरखपुर विश्वविद्यालय की एल्यूमिनाई मीट में केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह आ सकते हैं। यह आयोजन फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में होगा। इसमें करीब 500 पूर्व छात्रों को बुलाने की तैयारी है। ब्रज में इस बार होली पर देश की लोक कला देखने को मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर ब्रज की होली में हिस्सा बनेंगे। ब्रज की होली की धूम दुनिया भर में देखने को मिलती है। आयोजन को और खास बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने योजना बना ली है।